हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड आई विल बी योर मेंटर फॉर यूपीएससी जीएस2 मेंस एग्जाम। एंड गाइस, इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2020 फ्रॉम द पेपर जीएस2, एंड वी विल डिस्कस हाउ वी कैन राइट अ गुड यूपीएससी मेंस आंसर। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू हैव टू प्रेस दिस बेल आइकन so that you can receive all the latest notification regarding all the latest videos. So let's begin with this question. Microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. So it was a 15 marker question asked in the year 2020 GS2 paper, and guys remember it is from the governance and social justice part. And more specifically it is from the social justice part of GS2. So let's read out the question and then let's start to then let's try ki hum kis tarike se isko acche tarike se answer kar sakte hain. So what is the question? Microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India. So first of all, the question talks about the microfinance and how microfinance is helping the rural poor in asset creation and their income security. And then the question talks about self-help groups. So what is the role of self-help groups in this two fields of asset creation and income security of rural poor, and also in the field of women empowerment. Okay. So basically, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सोचना है। एक कुछ सेकंड्स आप ले लो करो कि सोचने के लिए कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हुई है, माइक्रो फाइनेंस की हुई है, तो हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताएंगे कि हाउ माइक्रो फाइनेंस इज यूजफुल इन क्रिएटिंग ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिंग द इनकम ऑफ पीपल। ओके, दूसरा फिर इसमें बात हुई है किसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। देन हमें इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरीके से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं और माइक्रो फाइनेंस में उनका क्या रोल है। And then we will move ahead to the women empowerment. फिर हम बात कर लेंगे किसकी, women empowerment की। तो basically जो आपका इस answer का, इस question का जो answer होगा, उसमें तीन चार चीजें होंगी मोटी मोटी। पहली क्या होगी, microfinance। दूसरा होगा हम self help group के बारे में बताएंगे, और तीसरा क्या होगा, women empowerment, self help group किस तरीके से asset creation और income security में मदद करता है, और साथ ही साथ women empowerment में भी मदद करता है। Because guys most of the self help groups जो हैं वो women related ही हैं, so obviously अगर वो एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है तो वो विमेन एम्पावरमेंट में ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा ही करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड टू द इंट्रोडक्शन। एंड रिमेंबर गाइस, इन सेशंस का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको एक आंसर बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आ चुका, अब ये दोबारा पेपर में नहीं आने वाला है। इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अंदर आंसर राइटिंग का जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्रोच करते हैं टू एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसी तरीके से आप एग्जाम में भी अप्रोच कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, देन उसके बाद तो क्लियर है, आपको अपने आंसर्स में जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करना है। अगर कोई इंडाइसिस है, कोई रिपोर्ट है, उसके थ्रू अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करना है, एंड दैट्स इट। और उसके बाद फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात हुई और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात हुई। तो माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे आपस में रिलेट करते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे। फिर हम बताएंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी में मदद करता है। फिर हम बताएंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में मदद करता है। एंड देन ऑफ कोर्स जो भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जहां पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के, पॉलिसी के या स्कीम के बारे में, उसके रोल के बारे में पूछा जा रहा है, देन यू शुड ऑल्सो राइट सम चैलेंजेस। उसमें उसके जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी हमें लिखना चाहिए, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव्स लिख रहे हैं तो हमें नेगेटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। एंड फाइनली इन द कंक्लूजन जो भी आपने चैलेंजेस प्रोवाइड करे हैं उसके बारे में छोटा सा सोल्यूशन बता के अपना कंक्लूजन खत्म कर दो, और आपका बहुत बढ़िया आंसर एक बन जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, माइक्रो फाइनेंस के बारे में बता दिया कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। इट इज बेसिकली अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड टू द लो इनकम ग्रुप पीपल, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस, अनएम्प्लॉयड पीपल जिनके पास बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है। स्पेशली इन द रूरल इंडिया ये ज्यादा एफिशिएंट है माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज अर्बन एरियाज में तो जनरली लोगों के पास बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस होता है। सो माइक्रो फाइनेंस इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द रूरल एरिया। ओके,
नाउ इसके अलावा आप माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये आपको बताना पड़ेगा थ्रू सम एग्जाम्पल्स, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू राइट एविडेंस बेस्ड आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू माइक्रो फाइनेंस कोलैटरल फ्री लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉर अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड फॉर अदर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस फर्म्स. देन थ्रू माइक्रो फाइनेंस देर इज एन एक्सेस टू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब जिससे कि जो इनफॉर्मल लेंडिंग करते थे रूरल लोग, उससे उनको छुटकारा मिला है. देन बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस थ्रू स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इंश्योरेंस सेक्टर के स्फेयर में रूरल इंडिया में लोग बहुत कम थे. नाउ दीज थ्रू दीज स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, नाउ दीज पीपल आर ऑल्सो अंडर दी स्फेयर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर. देन वी हैव अटल पेंशन योजना टू कैटर टू द नीड्स ऑफ पुअर इन द ओल्ड एज. रिटायरमेंट के बाद जब वो मतलब 60 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट जरूरत, दैट नीड इज फुलफिल्ड थ्रू द अटल पेंशन योजना. और इसमें बहुत सस्ती सस्ती प्रीमियम्स होती हैं, तो इसके लिए इसको रूरल लोगों को या जो पुअर लोग हैं उनको ज्यादा बर्डन भी नहीं आता. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस टू द पुअर. एंड नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज रिलेटेड टू द माइक्रो फाइनेंस. सो इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ यूनिक अप्रोच टू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. द अप्रोच कंबाइंस एक्सेस टू लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डेवलपमेंट फॉर वुमेन हु जॉइन एज मेंबर्स ऑफ एसएचजी. तो बेसिकली हमने छोटा सा एक आइडिया दे दिया कि एसएचजी जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस में इंक्लूडेड है. माइक्रो फाइनेंस के सर्विसेज एसएचजी के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है इन आर कंट्री. एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे कि कुडुम्बश्री जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है केरला का, काफी फेमस है. इट वर्क्स फॉर वुमेन राइट्स एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइजेस एटसेट्रा. देन वी हैव महिला आर्थिक विकास महामंडल, अनदर वेरी फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र, विच इज मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट वेरियस वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. एंड देन अभी कोविड के समय आप सबने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने काफी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, In April 2020, about 20,000 SHGs produced over 19 million masks in India in the fight against COVID. So, 19 million masks उन्होंने बनाए थे. तो of course, they are contributing in the India's economy also, and they are contributing in India's fight against COVID-19 also. So, basically, SHG का role हमने define कर दिया, बता दिया कि किस तरीके से SHG एक important asset है हमारे देश का. Okay? So, this is about introduction. Introduction में इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी. तो बॉडी में हमें मेन जो हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अराउंड. द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अचीविंग द एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ रूरल पुअर. तो किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं एसएचजी, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वी ऑल नो दैट एसएचजी गाइज इज अ पूल ऑफ मनी. एसएचजी एक्ट एज अ पूल ऑफ मनी फॉर द मेंबर्स ऑफ एसएचजी. So what happens is that a particular SHG comprises of around 15 to 20 women जो कि अपने savings को contribute करके एक pool of money create करते हैं, और उस pool of money में से जो members होते हैं उनको loan दिया जाता है for a particular purpose, like किसी भी asset को खरीदने के लिए, like tractor हो गया, या किसी small business firm के लिए, या किसी भी agricultural asset के लिए, या other allied activities के लिए. वो पैसा as a loan दिया जाता है to the members, and then जब भी वो members के पास होता है तो उनको वापस कर दिया जाता है. okay? Then we have a SHG bank linkage program that was launched by NABARD in the year 1992, under which the banks are allowed to open an account in the name of a particular SHG, and then the loans are being provided to the members of that particular SHG. Basically, इस program में क्या होता है कि जो banks हैं वो SHG के नाम पे account खोलते हैं, और फिर उस SHG के जो members हैं उनको loan दिया जाता है for asset creation and other income security purposes. Then we have a scheme, very very important, National Rural Livelihood Mission. Through this scheme, Government of India is organizing the rural poor women into SHGs and thereby supporting them to take economic activities. And there are various activities, or you can say the facilities, that are being provided under the National Rural Livelihood Missions, like financial services to the poor, like financial literacy, bank account, saving, credit, etc. Then SHG is under priority sector lending of RBI. So हम सब जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक कैटेगरी है अंडर द प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसके अंडर बैंक्स को एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने टोटल लेंडिंग का वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देना पड़ता है. देन SHG has a role in as a substitute for informal lending. So we all know guys कि जो informal lenders होते हैं वो बहुत ज़्यादा rate of interest charge करते हैं
ऑन देयर बोरोइंग्स, सो ऑन देयर लेंडिंग्स. सो एसएचजी जो है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करता है फॉर द इनफॉर्मल लेंडिंग, और जिससे कि जो बोरोवर्स है उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा मिल जाता है, एंड देन उस पैसे का इस्तेमाल करके वो एसेट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ गाइज द एसएचजी इज वर्किंग टूवर्ड्स एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ रूरल पुअर इन आवर कंट्री. Now, if you talk about the women empowerment, so because we have to define the role of SHG in women empowerment also. So, women empowerment ki baat karenge, to of course, there is a reduction in inequalities after the introduction of self-help groups, which have led to the reduction in inequalities between rural men and women by empowering women with ability to manage the funds. Isse pehle kabhi bhi mahilaon ke haath mein funds manage karne ki jo power hai, wo nahi thi. But now, with the help of SHGs, the women are able to manage the funds. So, this is the SHGs are reducing the inequalities between rural men and women in this area. Then improvement in indicators. So SHG jo hai, SHG ke intervention ki wajah se there are significant improvements in various indicators, like there is an improvement in fertility rates in our country, female literacy and economic independence. So basically kya hai ki jo SHG hote hain, jis usme members hote hain, wo mahilaon ko aware karte hain regarding the मेटर्नल हेल्थ, रिगार्डिंग देयर चाइल्ड हेल्थ केयर, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन. सो बेसिकली महिलाओं को एम्पावर किया जाता है उनको अवेयर करके. देन एनहांस द सोशल स्ट्रक्चर. सो एसएचजीज गाइस हैव क्रिएटेड कॉन्फिडेंस फॉर द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन हु आर मोस्टली इनविजिबल इन द सोशल स्ट्रक्चर. बिकॉज गाइज आज भी हमें पता है कि जो हमारा रूरल इंडिया है, जो हमारा भारत है, वहां पे आज भी महिलाओं को सोशल स्ट्रक्चर में उतना ज्यादा जो है दर्जा नहीं दिया जाता है. सो थ्रू द एसएचजी दिस सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन हैज बीन एनहांस्ड. ओके, सो दिस इज हाउ एसएचजीज आर एम्पावरिंग वुमेन इन द रूरल इंडिया. एंड नाउ हमने ये तो बता दिया कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एसेट क्रिएशन में, इनकम सिक्योरिटी में और वुमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं. अब कुछ चैलेंजेस होंगे, हमें वो भी बताने पड़ेंगे. ऑफकोर्स कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना चैलेंजेस के नहीं है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, छोटे से बड़ा, वो सबके साथ, सबके पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस है वाइल देयर फंक्शनिंग. सो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इन द फ्रंट ऑफ एसएचजी इज द पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द रूरल इंडिया, विच डिस्करेजेस वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एसएचजीज एंड दस लिमिटिंग देयर इकोनॉमिक एवेन्यूज. देन देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ एसएचजीज एज दीज आर द नॉट सिक्योर्ड. ये जो है सिक्योर्ड मनी नहीं है, ये केवल म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करता है. सो देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी. Then they have a poor accounting practices and misappropriation of funds also in some cases. There is a lack of resources and means to market their goods. There is a dependency on promoters of NGOs, promoters or NGOs, withdrawal of which lead to their collapse. अगर NGO या जो promoter है SHG के वो अपना support हटा लेते हैं तो SHG जो वो collapse हो जाता है. इसके अलावा उनके पास proper training facilities नहीं है to the members. Members को skill train, members की skills को एनहांस करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर उन लोगों के पास नहीं होता. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप ले रही है ताकि इन चैलेंजेस को खत्म किया जा सके. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कंक्लूजन. आई होप गाइज अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर है. इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, अगर आपसे रोल पूछा जा रहा है तो उस रोल में सबसे पहली जो बात पूछी गई है वो बतानी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन इट वॉज आस्ट How self-help groups are helping in creating assets and securing the income of rural people and the women empowerment. तो वो हमने बता दी. And then you have to move on to the challenges that the SHGs are facing. या किसी भी और institution के बारे में पूछा जाएगा तो उसके challenges बता देंगे. And finally in the conclusion, जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको summarize करना है. And then जो भी अगर आपने कोई challenge बताया है तो उसके बारे में कुछ solutions देने हैं. Okay? And of course you have to keep in mind the word limit also. So talking about the conclusion, so we all know that SHGs have now become an integral part of the microfinance ecosystem of India, but the need of the hour is to impart formal training to the members of self-help groups. Skill development of the members is required. Expansion of financial infrastructure is the need of the hour. Need-based approach to be followed while designing the financial products for SHG. Bina zarurat ke koi product design kar denge, toh that is not good. And continuous monitoring and evaluation is also required to keep a check on the misappropriation of funds. So these are some of the suggestions that I, इस तरीके के suggestion आप provide करा दोगे at the end of the
आंसर इन द कंक्लूजन, तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि यस इस स्टूडेंट ने, इस कैंडिडेट ने ना ही केवल चैलेंजेस बताए हैं, बस उन चैलेंजेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। ऐसा पढ़ के वो खुश हो जाएंगे और आपको बढ़िया मार्क्स देके जाएंगे। राइट, सो दिस इज हाउ गाइज वी कैन अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। माइक्रो फाइनेंस के बारे में पूछा था हमने, माइक्रो फाइनेंस बता दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पूछा था हमने, वो बता दिया। किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी में मदद करते हैं वो बता दिया। किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन एम्पावरमेंट में मदद करते हैं वो बता दिया। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एसएचजीज के पास वो बता दिया। एंड फाइनली जो भी सजेशन हम दे सकते थे इन रिमूविंग दोज चैलेंजेस वो बता दिए। सो इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, 15 नंबर में आपको अपनी जान नहीं देनी उनको, उनके सामने। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं एंड आई होप आपकी जो मेन्स आंसर राइटिंग की स्किल है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।